ये है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ये फैक्ट्री अब खुल चुकी है और यहाँ पर हम कह सकते हैं डिब्बों का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। 23 तारीख से इस फैक्ट्री को खुलने का प्रोसेस शुरू हुआ, 28 दिन के लॉकडाउन के बाद। और जो लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन चल रहा है, उसमें फैक्ट्री को तमाम शर्तों के साथ खोला गया है। और जो गाइडेंस दिया गया है वो हम कह सकते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आए और स्थानीय प्रशासन ने इसकी परमिशन दी, उसी के बाद इसको खोला गया है। यहाँ पर जो परमिशन दी गई उस हिसाब से हम कह सकते हैं 1/3 एम्प्लाई यहाँ पर काम के लिए बुलाए गए हैं। 3744 कर्मचारियों को यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया गया है, उनको परमिशन दी गई है। और साथ ही साथ जो लोग अंदर रह रहे हैं, जो अंदर रह रहे हैं प्रीमाइसेस के अंदर, उनको परमिशन दी गई है। और जो गाइडलाइन है उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और सबसे खास चीज़ ये है कि अगर हम कहें कि इस समय जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, इन सब के बावजूद 2 दिनों में 2 डिब्बों को पूरा करने का काम RCF ने कर लिया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है। और जो 2 डिब्बे बनाए गए उसमें हम कह सकते हैं एक LHB हाई कैपेसिटी पार्सल वैन और दूसरा लगेज कम जनरेटर कार, दोनों को तैयार कर लिया गया। और इसके लिए एम्प्लाई रात दिन लगे हुए हैं। और जब एम्प्लाईज़ की जब हम बात करते हैं तो RCF कपूरथला ने तमाम तरीके के इंतज़ाम किए हुए हैं। जो बिल्डिंग है उसमें सभी एम्प्लाई जिनको अंदर बुलाया जा रहा है उनको सेफ्टी किट दी जा रही है और साथ ही साथ सैनिटाइज़र और मास्क दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देने के बाद जो फैक्ट्री है अपने काम पर लौट आई है। और ख़ास बात यह है कि ये जब फुल कैपेसिटी में तब लौटेगी जब तमाम कर्मचारी, हम कह सकते हैं ये जो विजुअल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पुराने विजुअल हैं, ये नए नहीं हैं। जब पहले फैक्ट्री फुल कैपेसिटी में काम करती थी तब की हम यहाँ पर विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर पुराने विजुअल हैं, फाइल फुटेज है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ अगर हम कपूरथला की बात करते हैं तो 3 शिफ्ट में काम होता है, यानी 24 घंटे जब फैक्ट्री खुलती है तो 24 घंटे यहाँ पर काम होता है। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो सिर्फ 33% जो कर्मचारी हैं उन्हीं को बुलाया गया है। और तमाम जो कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करने को कहा जा रहा है। अगर हम डिब्बे की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि LHB कोचेज बनाए जाते हैं और तमाम तरीके के जो स्पेशलाइज काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं तमाम जो क्वारंटाइन जो फैसिलिटी है RCF कैंपस के अंदर, वहाँ 24 बेड की क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई गई है, 8 बेड आइसोलेशन वार्ड के बनाए गए हैं। तो इस तरीके का काम है। और ये यहाँ देखिए किस तरीके के डिब्बे बनाए जाते हैं और ये काम बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोंगोवाल समझौते के तहत कपूरथला में ये फैक्ट्री बनाई गई थी और तब से ये आसपास के तमाम लोगों को ज़बरदस्त तरीके से रोज़गार देती है। अगर कपूरथला की बात करें तो तमाम लोग यहाँ से ही रोज़गार पाते हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। और ये हम कह सकते हैं जब कोरोना वायरस संक्रमण का संकट पूरी तरीके से देश से निकल जाएगा या जब हम इस संकट से बाहर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फैक्ट्री अपने पूरे अंदाज में काम करेगी। क्योंकि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश भर में सिर्फ और सिर्फ LHB कोचेज बनाने का ही काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से LHB कोचेज बनाए जाते हैं, उसकी एक झलक है। ये मैं आपको बता दूं, ये पहले के विजुअल्स हैं। तो इसमें जो लोग आपको दिख रहे हैं वो कहीं पर भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं क्योंकि ये पुराने विजुअल्स हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी निश्चित तौर पर ये सारे लोग मास्क के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि धीरे धीरे जो तमाम और फैक्ट्रीज हैं, अगर हम उनकी बात करें, चाहे वो रायबरेली हो या चेन्नई की ICF फैक्ट्री, उनमें भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लोग काम पर लौटेंगे। लेकिन रायबरेली की बात करें तो वहाँ पर कुछ कोरोना संक्रमित लोग जिले में पाए गए, जिसके बाद जो रायबरेली की फैक्ट्री है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसको परमिशन नहीं दी गई। यानी जिस जगह जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से परमिशन दी जा रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कपूरथला की जब हम बात करते हैं तो कपूरथला को निश्चित तौर पर
ये परमिशन दी गई है। और यहाँ तमाम अलग अलग तरीके के जो डिब्बे हैं, मैं आपको वहीं दिखा रहा हूँ किस तरीके के डिब्बे यहाँ बनते हैं, किस तरीके का काम चलता है। ये देखिए जो नए नए कोचेज बन के निकलते हैं वो इसी फैक्ट्री से बन कर निकलते हैं, चाहे वो IRCTC की नई नई गाड़ियाँ हों या हम कह सकते हैं तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गरीब रथ बनाया जा रहा है, इस तरीके की तमाम चीज़ें, ये पुराने विजुअल्स हैं जिनमें आपको तरह तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कपूरथला की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो पूरी पूरी फैक्ट्री है वो हम कह सकते हैं काफ़ी एडवांस है। तमाम तकनीक लगातार यहाँ पर हम कह सकते हैं अपग्रेड की जाती है। और एक हम दिखा रहे हैं जब पहले डिब्बे जो यहाँ पर बने हुए हैं उसमें किस तरीके से लोग आरामदायक सफ़र करते हैं और इनका रखरखाव कैसे किया जाता है। देश के कोने कोने में RCF कपूरथला के बने हुए डिब्बे जाते हैं। और ये देखिए किस तरीके से सेल तैयार किए गए हैं और उनको फाइनल रूप दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर लोग काम पर लौटे हैं तो इस तरीके के तमाम डिब्बे बनाएंगे, तमाम चीज़ें आने वाले समय में आपको RCF कपूरथला की बनी हुई नज़र आएंगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं किस तरीके से ये तरह तरह की चीज़ें यहाँ हम कह सकते हैं RCF कपूरथला में बनी हैं।